अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बख़ैर होंगे। काफ़ी दिनों से मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा था कि एक दिन में कितने अमल कर सकते हैं, एक दिन में कितने वजीफ़े कर सकते हैं, एक दिन में कितने अमल कर सकते हैं। ये कई बंदों ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि इस पर एक पूरी वीडियो बना दी जाए, ताकि ये एक तरीके से जो लोगों के जहन में सवाल होते हैं कि एक दिन में कितने अमल किए जा सकते हैं, कितने वजीफ़े किए जा सकते हैं, कितने तावीज़ात किए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। कुछ लोग पूछते हैं कि एक ही बंदे के ऊपर एक दिन में कई तावीज़ किए जा सकते हैं या एक ही साथ कई वजीफ़े किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो उसी के सिलसिले से ये वीडियो है। तो याद रहे कि एक दिन में कितने ही वजीफ़े करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि जो वजीफ़ा करें, जो अमल करें, उसको सही ढंग से करें, वरना उसमें रजात के होने का ख़तरा होता है। रजात यानी पलटवार, उल्टा असर होना, सामने वाले के ऊपर कोई असर नहीं होता, जो कर रहा होता है उसके ऊपर असर होता है, तो उसे रजात बोलते हैं। तो रजात का मसला जो है ये हो जाता है अगर आप अमल करते हैं, कई अमल करते हैं और उसके साथ आप गलत तरीके से कर लेते हैं, या कोई चीज़ उल्टी सीधी पढ़ लेते हैं, या कोई उल्टा सीधा अमल कर लेते हैं, तो इससे रजात हो जाती है। वैसे एक दिन में सही तरीके से अगर आप करें तो जितने अमल चाहे कर सकते हैं, एक ही बंदे पे कर सकते हैं, इससे कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।